चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। जम मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक आज है। कुशवाहा उठाकर परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक की अध्यक्षता करेंगे और डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा, तो वहीं सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। मिशन 2023 की तैयारियों में अब छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की आज अहम बैठक है। बता दें कुशवाहा उठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुट गई है, आज बैठक है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? सुप्रिया, छत्तीसगढ़ बीजेपी अब 2023 की तैयारियों में जुट गई है, किन किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज पदाधिकारियों की अहम बैठक है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा, तो मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी अब जुट गई है। पदाधिकारियों की अहम आज बैठक है। कुशवाहा ठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो एनडी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होंगे। बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा, तो वहीं बता दें सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। बड़ी खबर, जहां बैठक में तय होगा कार्य समिति की बैठक का एजेंडा, छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है 2023 की तैयारियों में जुट गई है। बता दें 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और आज पदाधिकारियों की अहम बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में कार्य समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा और सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार हो सकता है। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ दोबारा से लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज छत्तीसगढ़ बीजेपी की अहम बैठक है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल अनिशा, आज भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। इस बैठक में अगर हम मुद्दे की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा यहां पर राज्य सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर के है। उसके बाद आंदोलन को लेकर के भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि डी पुरंदेश्वरी की बैठक के बाद भाजपा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही थी और लगातार यहाँ पर भाजपा के जो आंदोलन का सिलसिला था वो जारी था, तो आंदोलन की भी एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा और भी टास्क दिए जा सकते हैं पदाधिकारियों को, और टास्क देने के बाद फिर जो कार्य समिति की बैठक है वो कल संभावित नजर आ रही है। कल कार्य समिति की बैठक भी हो सकती है और आज कोर ग्रुप और कोर कमेटी की बैठक भी संभावित है। देखिए, इस कार्य समिति की बैठक का एजेंडे भी तय किया जाएगा इस पूरी बैठक में, तो किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल अलीशा, दिशा निर्देश तो दिए जा सकते हैं और कौन से दिशा निर्देश होंगे और किन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दा तो सबसे पहला मिशन 2023 है और इसके अलावा राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बीजेपी बनाएगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही थी और अब भी बैठक के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा सकती है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचाया जाए इस पर भी बीजेपी बात कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जो
केंद्र में बैठी मोदी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी गिनाना चाहती है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की मोड पर नजर आ रही है और पीएम मोदी की उपलब्धता को गिनाकर यहां पर जनता के बीच बीजेपी जा भी सकती है और इस पर भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है कि बीजेपी के नेता कहां कहां जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं और उन्हें कौन से क्षेत्र की जिम्मेदारी मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।